आजकल कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको मतलब कुछ दिमागी प्रॉब्लम हो ना, टेंशन ना हो, या याददाश्त कमजोर ना हो, या भूल जाने की आदत हो उसको। कोई पढ़ता लिखता है तो उसे बाद में कुछ याद नहीं रहता, उस टाइम तो याद रहता, बाद में याद नहीं रहता, या कोई काम कहा जाता है फिर जाता है आदमी बाहर और फिर भूल जाता है। ऐसी भूलने की आदत एकदम जनरल हो गई है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो बहुत ही सस्ता होगा और बहुत ही ईजी होगा, जिसे यूज करके आप ये समझ लीजिए कि अपने दिमाग को इतना बूस्ट कर पाएंगे कि शायद आप आज जो सुबह पढ़ेंगे वो एक हफ्ता बाद तक ना भूलें, और अगर 2 बार रिपीट कर लिया ना तो शायद लाइफ टाइम ना भूलें। इतना ज़बरदस्त रहेगा ये, बिल्कुल नेचुरल नुस्खा रहेगा। जो लोग कंपनियों की दिमाग रिलेटेड सीरप या चटनी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सब भी जान लें कि ये नुस्खा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो काम करता नहीं है, आदमी खाता रहता है और बिल्कुल इलाका देता है कि मैं दिमागीन खा रहा हूँ या कोई भी संतुष्टि सीरप पी रहा हूँ, लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्योंकि वो असली जड़ी बूटियाँ नहीं डालते तो काम कैसे होगा। इसलिए समझो आप कि पहले तो आप ये जान लो कि आखिर याददाश्त कम क्यों हो रही है आजकल। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ये है कि आदमी आजकल इतना बिजी हो गया है अपने काम में, जिसके कारण उसे नींद ना तो टाइम पे ले पा रहा है, ना तो टाइम पे खाना खा पा रहा है। कोई भी काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, जिससे डिस्टर्ब हो रही है पूरा नर्वस सिस्टम आदमी का, डिस्टर्ब हो रहा है। अब जब दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, पढ़ने सोएगा नहीं, टाइम से उसे डाइट नहीं मिलेगी, कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा है, तो दिमाग का बैलेंस तो गड़बड़ाएगा ही ना, याददाश्त तो कमजोर होगी ना, और ऊपर से ये डिप्रेशन वगैरह टेंशन वगैरह लाइफ में आदमी कह रहा, इससे भी याददाश्त आदमी की खत्म हो रही है, बहुत लो हो रही है। या कोई आदमी नशे करता है अलग अलग टाइप के, तो उन नशों से भी दिमाग की याददाश्त जो है प्रभावित पड़ती है। कि जैसे आजकल आदमी स्मोकिंग करता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, या कोई भी ड्रग्स लेता है, तो इससे याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है। या कोई डिप्रेशन पिल ले रहा है तब तो आप 100% उसकी याददाश्त जा ही रही है, शाम को क्या बात की वो नहीं बता पाएगा। ये सब खत्म करो और ये नुस्खा लो जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर आप नींद की पिल ले रहे हैं तो वो भी छुट जाएगी, और जब नींद सही टाइम पे आएगी तो दिमाग भी अच्छा रहेगा और याददाश्त बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। अगर आप इस दवा को सुबह सुबह लेते हैं तो समझिए कि पूरा दिन आपका फ्रेशनेस से भरा रहेगा। सीधे सुनिए आप क्या मैं बताने वाला हूँ। देखिए नुस्खा है, इसमें आपको लेना है शंख पुष्पी। ये जड़ी बूटी होती है, शंख पुष्पी घास होती है एक तरीके की। ये आपको लेना है 100 ग्राम, और आपको लेना है ब्राह्मी, ब्राह्मी आपको लेना है 50 ग्राम। ये दोनों अगर सूखी हो तो 100 50 ग्राम करके लो, अगर दोनों ताजी हो जमीन से खोद के लाए हो, आप जानते हो पहचानते हो जड़ी बूटी को, तो शंख पुष्पी को 200 ग्राम और ब्राह्मी को 100 ग्राम। इस तरीके से लेकर इनको जो है 4 लीटर पानी में पकाते हैं। जब पानी 2 लीटर बचता है तो छान लेते हैं और वापस फिर से उस पानी को पकाते हैं, जिसमें घनसक निकलता है जड़ी बूटी का, उसको पकाते हैं फिर से। और पकाते पकाते जब वो 1 लीटर बचती है तो उसमें डाल देते हैं आधा किलो शुगर शक्कर, और जब शक्कर डाल लेते हैं तो फिर से पकाते हैं, और पकाने के बाद वापस जब पानी आधा लीटर के आसपास बचता है तब उसे उतार लेते हैं, और उसको 10 ml सुबह 10 ml शाम को पीते हैं, क्योंकि एक सीरप बन जाती है। इस सीरप को 10 ml सुबह 10 ml शाम को पियेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होती है। या आप पानी में मिला के शरबत के तरीके से भी पी सकते हैं, 10 ml जो है आप आधा गिलास पानी में डालें घोले और पी सकते हैं। तो इस तरीके से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, जितनी भी दिमाग की प्रॉब्लम्स हैं, याददाश्त, सर दर्द और नींद ना आना, डिप्रेशन, ये सब सही हो जाएगा। तो आप यूज़ करें और जब फायदा करें तो आप कमेंट करें कैसे लगे, और अभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे कि आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। वीडियो